नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका स्पोर्ट्स में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अडानी दिल्ली प्रीमियर लीग के चौथे मैच के बारे में, जो कि खेला गया था सेंट्रल दिल्ली किंग्स और नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के बीच में अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली के। यह मैच बहुत अच्छा रहा। इसमें सेंट्रल दिल्ली किंग्स की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 175 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर, जिसमें ध्रुव कौशिक ने एक बेहतरीन 63 रन की पारी खेली 34 बॉलों में, जॉन्टी सिद्धू ने 42 रन बनाए 28 बॉलों में, हितेंद्र लाल ने 20 बॉलों में 27 रन बनाए और केशव दबास ने 7 बॉलों में 14 रन बनाए। वहीं पर नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की तरफ से गेंदबाजी करते हुए सुयश शर्मा ने 4 ओवर में 35 रन दिए और 2 विकेटें ली। मनन भारद्वाज ने 2 ओवर में 15 रन देकर 1 विकेट ली। यतीश सिंह ने 4 ओवर में 36 रन दिए और 1 विकेट ली और प्रांशु विजयरन ने 4 ओवर में 39 रन देकर 1 विकेट। इस टारगेट को चेस करने उतरी नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की टीम ने भी अच्छी शुरुआत की। उनकी तरफ से ओपनिंग करने आए वैभव खांडपाल ने 35 बॉलों में 60 रन की एक बेहतरीन पारी खेली। यश दबास ने एक आक्रामक पारी खेली, उन्होंने 33 बॉलों में 56 रन बनाए। यश भाटिया ने 26 बॉल में 34 रन की नाबाद पारी खेली और वैभव रावल ने 9 बॉलों में 11 रन बनाए और ये नॉट आउट रहे। और इस तरह से नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की टीम ने 18.1 ओवर में 177 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर और इस मैच को 7 विकेट से जीत लिया। सेंट्रल दिल्ली किंग्स की तरफ से मनी ग्रेवाल को एक विकेट मिली 27 रन देकर, रजनीश को भी एक विकेट मिली 28 रन देकर और सुमित कुमार को भी एक विकेट मिली और उन्होंने 4 ओवर में 34 रन दिए। इस जीत के साथ ही नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की टीम ने अपनी पहली जीत दर्ज की इस टूर्नामेंट में। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें रेडियो द्वारका स्पोर्ट्स के साथ।